सर्जमी आला दिलगुश कने त्योगे मुल्क कोरोना वायरस अबीरान बुतकी नादुराहानी कच यक्स छिलो पंचा सरबुतक कोरोना वायरस से सबब सरमंदी मर्दुमानी कच अब तजार शसत सीओ हश्ता गेशी त्योगे मुल्क नवद 2500 गेश मर्दुमानी टेस्ट कनक बुतक गस्तगी बिस्तो चार कलाकानी नियामा 6400 गेश टेस्ट कनक बुतक दनी गतक 1800 सीओ दो नादुरा जान सलामत बुतक चिलो चार नादुराहानी जावर नगी का सरकारी साबुदा देरेदा गस्तगी बिस्तो चार कलाकानी नियामा 466 गेश केस रिपोर्ट बुतक पंजाब 6690 सिंध 2220 खैबर पख्तूनख्वा 1077 बलूचिस्ताना 605 गिलगित बल्तिस्ताना 205 इस्लामाबाद 166 केस रिपोर्ट बुतक मजन वजीर इमरान खान गुश्ता कि पाकिस्तान कोरोना वायरस से जावर आल गहतरी पांच दिया बगैर द बिस्त मैया बुध कन जावर गेश न गेक बंद व अस्पताल नि सरा प्रेशर हम गेश पित कम व लॉकडाउन नरम कन गे फैसला कुतक सामान जखीरा कनु के छुड़ा पहल कनक न बंद मजन वजीर इमरान खान कोरोना वायरस से जावरानी सरा गुबुंजई वजीरानी अमराया रसम दरा गुतरान कनान गुश्ता कि कोरोना वायरस से सबबा त्योगी दुनिया बदल बुतक महंचे जावरानी दिम पानी के हेच बर पाकिस्तान चुशी जावर वदी न बुतक गुमान अमी बुतक कि बिस्तो 5 अप्रैल द पाकिस्तान कोरोना वायरस से नादुरा 50,000 सरबंद बलि चुश नहीं बिस्तो 5 अप्रैल द नादुराई कच द्वासदह बिगड़ द 5,000 बुतकंद मैं अस्पताल आसराती मौजूद है ए माह मारा हेच परेशानी न बीत दुरुस्त तैयारी सरजम कुतगा सिंसदा मार्च तिलक मर्दुमानी एयरपोर्ट स्क्रीनिंग कनक बुतक चीना मौजूदी पाकिस्तानी नौदरबरानी वातर बुआ के दरगता मैसर अब्बास प्रेशर बुतक फवाहद गांगे जसूर के सबबा चीना जा पाकिस्तान कोरोना वायरस मुंतकिल न बुतक चरी न्यामा हेच केस दे मानी अकक वेहाना मौजूदी पाकिस्तानी नौदरबरानी मुल्का वातर निहार के फैसला जवान बुतक जान सलामती हासी कमुका डॉक्टर जफर मिर्जा गुश्ता है कि पाकिस्तान कोरोना वायरस से टेस्ट सलाहियत तहा गेशी आरक बुआ गए गुसिन सरकार कोरोना वायरस से गिरोदार कन के हाथरा एकमत अमलिये सरा तिपाह बुतक कराची अगेशतरे मर्दुमानी बीरानी कोरोना वायरस से सबब बुतक कोरोना नादुराई सबब बीरान बुतगी मर्दुमानी सबब लेबॉरट्रिया जानक भी रसांग द्रग उतरान कराना डॉक्टर जफर मिर्जा गुश्ता है कि गुस्तगी बिस्तो चार कला कानी न्यामा 500 नजीक नोकी केस रिपोर्ट बुतक 6200 गेश नोकी टेस्ट कनक बुतक इमा है गुटसरा मैगवरा रोची 20,000 टेस्ट कनक सलाहियत मौजूद बीत बुंजई सरकार सूबाई सरकार कड्डन कुता कि मीडिया इंडस्ट्री पश कप्तगी जर हफ्त रोचानी तह दियग बिबन शिंकारियों को मुक्कार फिरदोस आशिकावाना दुरुस्ती सूबाई सरकार प्रिंटो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पश कप्तगी जर्रानी दिया गे वास्ता निम्दी निबिश्ता कुतग दिलगुश कने त्रिपुटा विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को मीडिया इंडस्ट्री के वाजबात 7 रोज के अंदर जमा कराने की हिदायत की है। मीडिया इंडस्ट्री के मुश्किलात को कम करने के लिए मुशीर इतलात फिरदोस आशिक अवान ने तमाम सूबाई हुकूमतों को फौरी तौर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वाजबात अदा करने का मरासला जारी कर दिया और सूबाई हुकूमतों को हिदायत की कि एक लंबे अरसे से मीडिया इंडस्ट्री को उनके वाजबात अदा नहीं किए गए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के गुज़िश्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी मीडिया इंडस्ट्री के बकायाजात पर और इस मसले पर जोर दिया गया। वश न्यूज़ जो कि वाहिद बलोची मीडिया चैनल है जो कि बलोचिस्तान की आवाज़ है, हुकूमत बलोचिस्तान की सितम जरफी से वश न्यूज़ को उनके बकाया जात अदा नहीं किए गए। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के दौरे हुकूमत से अब तक वश न्यूज़ को उनके जायज़ वाजबात को रोका गया। मौजूदा हुकूमत ने मुतादित बार इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वश न्यूज़ के वाजबात अदा कर दिए जाएंगे, लेकिन वो दावे भी हवा हो गए। इस बार डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने बलूचिस्तान हुकूमत को खसूसी हिदायत करते हुए कहा कि मीडिया इदारों को 7 दिन के अंदर वाजबात अदा किए जाएं। दूसरी जानिब मीडिया इंडस्ट्री की मुश्किलात को कम करने के लिए विफाकी हुकूमत ने मीडिया के 1.8 अरब रुपए के बकाया जात अदा करने का फैसला किया है। रकम फौरी तौर पर मीडिया हाउसेस को जारी की जाएंगी। चंद रोज कबल वजीर आजम इमरान खान ने मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम की थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया इंडस्ट्री की मुश्किलात को कम करने के लिए विफाकी हुकूमत ने मीडिया के बकायाजात अदा करने का फैसला किया था। मीडिया को दरपेश माली मुश्किलात का अजाला करने के लिए विफाकी हुकूमत मीडिया को 1.8 अरब रुपए के बकायाजात फौरी तौर पर अदा करेगी। इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि कोरोना वायरस के दरपेश चैलेंज से निपटने में मीडिया का कलेदी किरदार है। कोरोना वायरस की सूरत हाल में सहाफी और मीडिया वर्कर्स भी हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। हम मीडिया वर्कर्स का तहफ़ इंडस्ट्री की मुश्किल कम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इधर गत लाइन सर हुकूमत बलूचिस्तानी तर्जमान लियाकत शमानी साहब गुमा गपो हल्का। अस्सलाम वालेकुम शमानी साहब। जी वालेकुम सलाम। शमानी साहब पिसरती बस मिनतवारी ची गुशे के मुल्क अंचुके माचारे के रोज परोज कोरोना वायरस के तेजिया को शेंग बुआ गए। हुकूमत बलूचिस्तान कोरोना वायरस से गिरोदार वास्ता छोने इकदाम जोर गए। चूंकि गुस्ते के रोचा माचारे के सदार वफाकी काबीना इजलास बुतक के चरशिया वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खाना हम वीडियो लिंक के जरिया इजलास बाहर सुर तक वजीर आजम अमी गुश्ता के कोरोना वायरस के दरपेश चैलेंज आचे गिरोदार करने के वास्ता मीडिया हाँ से किर दें। अमी वड़ा के वश न्यूज के कोरोना वायरस से गिरोदार करने के वास्ता मर्दमारा फराहमी दे गई आगाही दे गई क्षमा चे गुशे के कोरोना वायरस से गिरोदार करने के वास्ता वश न्यूज से चूने किरदार है। वश न्यूज बिल्कुल बलाए किरदारे मजरे किरदारे और बलूचिस्तान तो का अमे दुरा के मर्दों मस्ती ये वर्ष कैसे बाद वर्षा इसी जबरदस्त विवर्षित पे मर्दों कैसे गोश दारण शुरू प्रोग्राम और रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वर्ष तो हाँ वाला बिल्कुल इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करनी और हमेशा हम अप्रिशिएट होता पता बलोची हमें के लैंग्वेज हाई हमारे यक्के चैनल है आई अलावा पीटीवी बोलाने तो का तिबरावी बलोची पश्तो लोकल लैंग्वेजेस लेकिन प्राइवेट मीडिया तो का वश इज द ओनली मीडिया हाउस कि ये बलूचिस्तान है पर्टिकुलर की हमारा मामला थे जीण है बलूचिस्तान इश्यूज है इसे अच्छे करना इसे मीडिया सारा कार है इसकी न्यूज सारा इट आई अप्रिशिएट इट। वाजिशमा जी गोश्त करें कि वादा के बलूचिस्तान अगर मैं बेचारे कोरोना वायरस से गिरोदार करने के वास्ते मजीद हुकूमत बलूचिस्तान छे बड़े इकदाम कर गए। जी बिनिश ये दुनिया तो का कोरोना एक ऐसे दो कंपोनेंट है या केशन के गवर्नमेंट के वती पैमा ये क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश का ये इक्विपमेंट के हमें डॉक्टर का जरूरत है पब्लिक का जरूरत है या ऑफिसर का जरूरत है इसी इस्टेब्लिश का सेमी एशियन के आइसोलेशन फैसिलिटीज अगर कस बीमार बा केस आई पॉजिटिव का आई पर एशिया केस आइसोलेशन फैसिलिटी शिफ्ट का आई रंदा अगर अंचो पेशेंट क्या सीरियस में खुदा ना खास्ता तो इसी वास्ता वेंटिलेटर फैसिलिटी आईसीयू ये दुरा कार बलूचिस्तान को था बलूचिस्तान गवर्नमेंट अम्मा के अस्ते शस्त क्वारंटाइन सेंटर नोटिफाई को था दुरा बलूचिस्तान तो का कि शशुने हजार मर्दुम कैसे आई वास्ता दुरा फैसिलिटी उदा अवेलेबल है आई अलावा अफ्ता तो यक आइसोलेशन फैसिलिटी नोटिफाई को था दुरा बलूचिस्तान तो का कि तकरीबन अफद अफद मर्दुम के उदा अम्मा फैसिलिटी टिकोते कहाँ आई अलावा 4000 मर्दों में वास्ता आइसोलेशन दिगा फैसिलिटी अम्मा इस्टेब्लिश करना गा 900 बेडेड फैसिलिटी हमें कोयटा तो का दशते इस्टेब्लिश बुआ गा 400 बेडेड फैसिलिटी के स्पिनी रोडा में न्यूरोलॉजी फैसिलिटी उदे इस्टेब्लिश हमारा कोता सी आइसोलेशन बेड्स के अस्त बीएमसी है तो के स्टेबिश को तामा यक हॉस्पिटल में दूसरा 25 बेडेड हॉस्पिटल इसे से हॉस्पिटल आ दूरा डेडिकेटेड है आय दूरा डेडिकेट को तामा पा ओनली कोरोना पेशेंट के वास्ता फास्ट जिना चेस्ट हॉस्पिटल है तो का आइसोलेशन फैसिलिटी भी हमारे स्टेबिश कोटा ऑल द के अस्ते लेबोरेटरी भी हमारे स्टेबिश कोटा तफ्ताना भी यक मोबाइल लैब अम्मा पार्क कोटा आई लवा दिगा भी बलूचिस्तान तो का 4 डिवीजन तो का मैं लेबॉरेटरी स्टेब्लिश करा गया हूँ आई तो का तुर्बत खुजदार जोबे और नसीराबाद तो ये दुरा बलूचिस्तान गवर्नमेंट कार करने का आई लावा पॉलिसी और लेवल हमारा लॉकडाउन डिसीजन जरूरत अब द बाहर चा और अमाम हमें पॉलिसी के इंटैक्ट है दोषी के बलूचिस्तान गवर्नमेंट डिसीजन जरूरत के मर्द में तो का कसवती गिरा गिसा के दर खाया आ केस वती मास्क भी या मुफलर है या शाल है या चादर है आई इलावा केस से कस सके
अल्लू के अस्त गिसे डन्ना अंचो अम्मा अलाउ न कना गाऊं अगर कस ई एस ओ पी से वायलेट कर तो आई लाफा कार्रवाई दी तो दीज आर द मेजर बिजनेस की अम्मा जरूरत है कि तामर्ची अलहमदुल्ला ता यक हद तो गुश्त करे कि बलुस्तान तो का कोरोना कंट्रोल है बट अगेन अन्नू के अस्त लाते केसेस के अस्त लोकल स्प्रेड है इधा के आ तश्वीशनाक भी अस्ते तामर्ची अम्मा पंच हजार गेश के अस्ते मर्दों में टेस्ट अम्मा कंडक्ट कुदा आई तो का के अस्ते सैसद हफ्ता तो शस्त पॉजिटिव आत का और अनफॉर्चुनेटली दूसरा तो 209 लोकल स्प्रेड केसेस अन्नू दे मात का फौरी तौर तो बलुस्तान गवर्नमेंट की डिसीजन जरूरत है कि अम्मा वाला 50,000 मर्दों में टेस्ट करेगी ये फेडरल गवर्नमेंट का अम्मा लिखित है वती 50,000 टेस्ट स्वाप और वीटीएम में डिमांड लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अम्मारा 14,976 टेस्ट किट्स अम्मा रादात 11,007 वीटीएम और 5,000 स्वाप लेकिन वीटीएम में अम्मा कम करे अम्मा डिमांड को था कि ये बल्कि गेश भी ताकि मैक्सिमम मर्दों में टेस्ट करना अम्मा सरपत भी कि बलुस्तान तो का एक्चुअल केस से अम्मा के लोकल ट्रांसमिशन है आई रेशो चोई। अच्छा वजह अगर मैं बेचारे कि कोरोना वायरस के अर शोबे मर्दों मुतासिर को था अमे बड़ा मीडिया इंडस्ट्री हम बाजी मुश्किल आनी दिम पानी कने कप गए चूंकि गुस्त के रोचा अगर मैं बेचारे कि वजीर आजम साहब एक जुआने गाम के जे जरूरत गए था दुरुस्ते सूबाई हुकूमत परमान नामा जारी को दिगे कि मीडिया मिंचो वाजबा था अब त्रोच तह दियक भी बनती भले चूंकि नोटिफिकेशन अब त्रोच गुस्ता गंग तक हिच नबू तक क्षमा चे गुशेता केश यानी वाज मीडिया इंडस्ट्री वाजबा कदी तक अदा कनक बनती बीनिशमन वत पॉलिटिकल वर्कर भी बुतगो मन एहसास एज अ पॉलिटिकल वर्कर मन मीडिया तो का पांच साल मन इस्लामाबाद वक्त बाजिंत है ओद एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मन अपियर बूता मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और मीडिया मर्द ने तो का मनी क्लोज रिलेशनशिप बूता हमें वश टीवी लाते जेड़े और आउटस्टैंडिंग जर्रे वाला के अस्ते ओएस इकबाल साहब मनी हमेशा कोऑर्डिनेशन बूता मन वश हमें कैसा मतलब एक ही प्राइम मिनिस्टर साहब अनु के नोटिस जरूरत है या फरमान ये पेश दाता आई सारी मन वती पैमा कोशिश को था और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अस्ते हमें सेक्रेटरी या डीजीपीआर आई नोटिस हमन आकर सीएम साहब भी नोटिस आ रहे सीएम साहब अप्रूवल भी दाता लेकिन एक कोरोना जेड़ा की आत का हमें दुरा फोकस के डाइवर बूत हमें कोरोना इशू सारा दुरा मामला की जिंदगी मुतासर बूता अंचो हम वश टीवी के शुमे केस से आ भी मुतासिर होता लेकिन मन अम प्राइम मिनिस्टर साहब फरमान मन चारित है और मैडम फिरदौस आशिक आवान साहबा आवानी सदारत भी या कम बलुस्तान और दीगर सूबे की हमारा स्पोक्स पर्सन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आवानी वीडियो लिंक की सर एक मीटिंग भी बूता अब मीटिंग के तोका भी अम में अंडरस्टैंडिंग अमेशन के मैंने ये फैसला डिसीजन हम इंडोर्स होता ये प्रोसेस कमी स्लो बूत कोरोना ऑपरेशन वाला अदरवाइज इंशाल्लाह ये दुरा मसला इंशाल्लाह अलमा बलुस्तान गवर्नमेंट मीडिया सपोर्ट करेगा अम्मा के फ्यूचर अभी सपोर्ट करनी पर्टिकुलर वर्ष चैनल हमें लोकल बलूची ब्रावी लैंग्वेज प्रमोट करेगा लोकल इश्यूज चिस्ट करेगा एशिया के अवेयरनेस कैंपेन से प्रमोट करेगा तो देर इज नो डाउट अबाउट इट बिल्कुल ये मनी कमिटमेंट है इंशाल्लाह ये जेड़ा अस्ते अवे सकवाल साहब लाते वक्त मेरा फोन भी करना अपडेट भी जरूर हाँ बट आई एम कमिटमेंट नॉट ओनली वश टीवी बल्कि हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया आर ची के आउटस्टैंडिंग इश्यूज अस्ते इंशाल्लाह अधूरा मसला अलमा वजह शुमार गोश्त कने के इम्कान कदी तक अस्ते बकाया जात के चुके शुमा घुस गए थे कि 21 से बारे शुमा वत वती जाती हवाले की कोशिश हम कुत गए थे वश न्यूज़ अवार दिगे हम मीडिया अवार यानी कोरोना सबब केस जो अस्ते मुतासर भुता तो आउट स्टैंडिंग कदी तक बित कनती इंशाल्लाह मैं चोनिया टाइम गुश्त तो न कने लेकिन इंशाल्लाह जल्द अज जल्द दिस इज माय मतलब मेरी कोशिश भी हमेशा मेरी ख्वाहिश भी हमेशा और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द बिनिश ये मसाल बा वजह थी बास मनतवार को मांग पो हाल का निगाम तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान या कशावानी साहब घुमा गपो हाल कनी गए गपो हाल शुमा दिन गुश को चुके गुश गया कि मैं कोशिश हमशी कि मैं बकाया जाता सुत्ता च जुत अदा कनक बीबीते चुके जानक बीबीते के गुस्त के रुच वफाकी काबीन यक दीवान बुत गया था वजीर आजमा के सही वजीर आला
आया नस्ते परमान जारी को तगायती वजीर आला बलूचिस्तान अवार सही वजीर दिगे हम वजीर आला परमान जारी को तगायते के जुत्ता जुत के मीडिया इंडस्ट्री हमें बकाया जाता अदा कनक बिबंती चूँकि अफ्तगी तक ये नोटिफिकेशन के ये अफ्तगी तक गस्ता भले अंग तक इच कनक नबिता चूँकि मीडिया इंडस्ट्री मुश्किल कम करने के वास्ता बजट इतहा यक टेक अश तरफ कलदार हा मीर कनक बुता के जुत्ता जुत अदा कनक बयान थी चूँकि रब्बाल कार लिया कशवानी आई गुना गपोहाल भी तो आइए गुश गया कि मैं वत कोशिश हम कर गई कि जुत्ता जुत मीडिया इंडस्ट्री जो वाच पाता अदा कनक बयान थी कोरोना वायरस के दुरुस्त पेड़ कोरोना वायरस से सबब मुतासर कोताई वाहदा गमा बिचारी के मीडिया इंडस्ट्री अवार दिगिबाजी पेड़ हस्ता कि आहा मुतासरा भले गुस्तगी रोचा कि वफाकी काबी ने अजलास बुतक वजीर आजम जवानी गामगीर सुरता गे वाले चे मग अपोहाल कनी इधर गत लाइन सरा सीनियर सहाफ़ी नेशनल प्रेस क्लब पीसर के सदर शकील अंजुम साहब गुमा गपो हल्का अस्सलाम वालेकुम शकील अंजुम साहब जी वालेकुम शकील अंजुम साहब पहले तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का क्या कहेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से मीडिया इंडस्ट्री भी शदीद मुश्किलात का शिकार है इसी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को मीडिया इंडस्ट्री के वाजबात 7 रोज़ में अदा करने की हिदायत की है लेकिन एक हफ्ते गुजरने के बावजूद इस पर कोई पेशरफ्त ना हो सका। मैं ये समझता हूँ कि जितनी मुश्किल जो मुश्किलात मीडिया पर आई हैं किसी और शोबे पे नहीं है। जो जिन शोबों पे फिल वक्त कोई ऐसी मुश्किल है वो वक्त के साथ साथ टल जाएगी, लेकिन हमें हम जो मीडिया इंडस्ट्री है वो जवाल का शिकार है। और ये हुकूमत की, अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये मैं बात करूं कि ये सिर्फ हुकूमत की प्लानिंग के तहत मीडिया इंडस्ट्री तबाह हो रही है। जैसे आप ने कहा कि एक हफ्ते में उन्होंने अदायगियां करने का की बात की थी, अब वो नहीं कर रहे, तो इसमें ये सूरत यह है कि ये इनका इनके एजेंडे में शामिल है और इनकी क्रेडिबिलिटी, हुकूमतों की क्रेडिबिलिटी जीरो है इस वक्त। और वो जो कहते हैं वो वक्त वक्त के साथ साथ आप देखें, इंटीरियर ये हमारी जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो सामने कुछ करके जाती हैं और उसके बाद बिल्कुल बेबस, छोटी से छोटी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ह्यूमिलेट करती हैं और मजाक उड़ाते हैं। और उसके बाद जो एजेंडा वजीर आजम का था जो इस वक्त है उस पर अमल दरामद हो रहा है, जिसमें एक आम सहाफी पिस कर रह गया है। हमने ऐसे ऐसे मिसालें देखी हैं, मैं ये अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि वो लोग जो कल रूल करते थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में काम किया, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में काम किया, आज वो हैंड टू माउथ हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी वो हमारी मदद की जाए। इस हालत को पहुंचाने के लिए इस हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसने पहले जब ये अपोजिशन में थे, जब कंटेनर पे खड़े होकर तकरीरें करते थे, उस वक्त निशाना करते थे, नाम लेकर बात करते थे, और वो उन अपने एजेंडे पर पूरी तरह कामयाब हैं। और उनका मकसद सिर्फ उन लोगों को नीचा दिखाना है जो इनके खिलाफ बात कर सकते हैं या इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, या फिर आज़ादी सहाफत पर यकीन रखते हैं और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। ये गैर जमहूरी हुकूमत और ये ऐसी हुकूमत है जिन्होंने लिबादा जमहूरियत का पहना हुआ है, असल में वो आमरों की पैदावार और आमरों की पुश्तपनाई में काम कर रही हैं। और वो इनकी अपनी हैसियत नहीं है सिवाय इसके कि वो हमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी को साइडलाइन करें, दीवार के साथ लगा लें और मजबूर कर रहे हैं कि अखबारात और जो टेलीविजन है वो फौरी तौर पर बंद हो जाए। मैं इस मिसाल दे रहा हूँ, एक यहाँ पे एक टेलीविजन चैनल यहाँ इस्लामाबाद में, उनका 6:45 तक उनकी नशियात चली और 5:55 पे एक नोटिफिकेशन आया, उन्होंने कहा जी काम बंद कर दें, हम टेलीविजन चैनल बंद कर रहे हैं। 800 मुलाजमीन व यक जुम्बश कमल कलम चंद लम्हों में ख़त्म हो गए और वो अपने अपने घरों को चले गए। उनकी मुसीबतें समझने वाला और उनकी मुश्किलात को हल करने वाला हुकूमत नहीं, हम लोग खुद ही आपस में मिलकर अपनी कम्यूनिटी को मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
जो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, इन लोगों के चूल्हे जलाना, फीसें देना और इनके घरों के किराए देना हमारे बस में तो नहीं है, लेकिन बहर सूरत एक मुश्किल आके बांध पड़ी है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन मुश्किलात से निकलें और अपनी कम्युनिटी को निकालने की कोशिश करें। ये हुकूमत जब तक है, ये हुकूमत इसके लिए राजी नहीं है कि वो किसी तौर पे हमारी हिमायत करे। हाँ, वादे करते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। अच्छा शकील अंजुम साहब, जैसे कि कुछ ऐसे भी मीडिया इंडस्ट्री हैं जो सुबह हुकूमतों को उनको वाजबात अदा करने हैं, तो ऐसा काबीना में फैसला किया है कि 1.8 अरब रुपए जो बकायाजात हैं उन बकायाजात की मद में अदा करने की मंजूरी जो दी गई है ताकि मीडिया इंडस्ट्री के मुश्किलात को कम किया जा सके, तो आपको नहीं लगता कि सुबह हुकूमत मीडिया की बकायाजात को अदा करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है अगर यहाँ से रिलीज, क्योंकि कल भी एक मीटिंग हुई है, उससे पहले एक दिन हुई है, और ये मीटिंग में ये अपने फंड रिलीज करेंगे, तो अब देखें अल्लाह बेहतर करे, कोई ना कोई इन्हें करना चाहिए। अगर उन्होंने इनके जहन में अगर है कि मीडिया इंडस्ट्री को बचाना है तो फिर इंशाल्लाह ताला कोई हल निकलेगा। उम्मीद तो है, हम सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ये अदायगियाँ करें, और वो अदायगियाँ करेंगे तो हमारे जो लोग हैं जिनके आउटस्टैंडिंग 8-8 महीने की बकायाजात पड़ी हुई हैं वो इंशाल्लाह ताला हल होगी। मुझे उम्मीद है कि अगर उन्होंने फंड रिलीज कर लिए, क्योंकि कल की मीटिंग में इंफॉर्मेशन फेडरल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने जो प्लान पेश किया है उसमें हमें लगा है कि ये कोई पॉजिटिव साइन मिलेगा हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई असर निकलेगा और ये अदायगियाँ होंगी, और लेकिन बशर्ते कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अदायगियाँ जल्दी कर दे। ठीक शकील अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सीनियर साफी नेशनल प्रेस क्लब पीसरे के सदर शकील अंजुम मैं गुना का पोहाल करेंगे का पोहाल शुमा दिल गुश को चुके आइए गुश गए कि मारा उम्मीद थी कि जुद ये अस्ते बकाया जात अदा कनक बनते और आइया ये हम गुश्त के उसते कोरोना वायरस सब बाग दुरुस्त अच्छा गेश मीडिया इंडस्ट्री ए वाहदा मुतासरी और तकानसरी हमाचा दिमतरे हाला दिल गुश करें। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी सरुकिया आलिम व जानकारानी दीवानी बुतक दीवाना रमजान और मुबारक बाद जमात नमाज त्रावी इजाजत दियक बुतक गोशक बुतक यमा मसीता जगह बास्कम में नमाज न्यामा नमाजी चेयकुदोमिया दूर बेबंद पहरीजी गामगी जपत मसीता नमाज कनगे इजाजत दियक बे दीवाना कोरोना वायरस गिरोदार दरगता रमजान उल मुबारक नमाज त्रावी वास्ता एकमत अमलिए जुड़ कनगे सरा चारू टपास कनक बुतक दुरुस्ती सुबहानी आलिमा वीडियो लिंक के सरा दीवाना बाहर जुर तक सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलविया गुश्ता की उम्मीद थे कि त्रावी वहादा मसीता बहरीसी गामगेट सूरत बीत मसीतो मदरसा कुमो को जक़ात दिया गया रित बर्जा बीत कोरोना वायरस रख गए हाथरा पहरीसी गामगेज अल्लमिये ई साल रमजान यक पॉलिसी जुड़ कनक बुआ गए गो आलिम जानकार दीवाना पद रसांग दरा गुतरान का नाना डॉक्टर आरिफ अलविया गुश्ताक के मसीतानी पेश गए साफ करने के वास्ता क्लोरीन कार्मर्स कनक बीत मसीतानी तहा पचे तगड़दानी ता स्प्रे कनक बीत सरपानी ता दो नमाजियानी जगह हाली कनक बीत आई गुश्ता कि मसीतो इमाम बारगाहानी इंतजामिया ज़िले इंतजामिया गु राबता बिकना पाकिस्तान कोरोना वायरस केसानी तहा गेशी आहानी पमिश्का पहरी सी गामगेज जूरा गलमी सिंधे सरवजीर मुराद अली शाह कसानी ताजरा एसओपी द्रेचा कार कनगे इजाजत दातक मुराद अली शाह गुश्ता है कि कसानी ताजर एसओपी द्रेचा ओम डिलीवरी कुतकना अमुक रूचे बुनियादा दुकाना पच कुतकना आई गुश्ता है कि हफ्ते के शेड्यूल जोड़ कनक बीत कि कुजाम रूचा कुजाम शोबे दुकान पच कनक बंद सिंधे सरवजीर तजवीज़ दाता कि अमा रूचा गुदे दुकान पच बंद अमी रूचा गुदे दुकानों गो अमग्रंची ईदोगी दुकान हम पच कनक बंद आई गुश्ता है कि सिफारिशातानी सरा बुंजाई सरकारा गो गपुथरान कनक बे वो एस ओ पी द्रेचा इजाजत दियाग बे मुराद अली शाह गुश्ता है कि कसानी ताजरा वाम दिया गे वास्ता अब बुंजाई सरकारा गो गपुथरान कर दरिकारानी वजीर शामिमुद कुरेशिया गुश्ता है कि डॉक्टर वती जिंद अतराय तहा दौड़दाता गो क्रोने मुकाबला कन गया त्योगे दुनिया अतराय ताहें दुरुस्तानी मई शतम असर मंदी मुल्ताना रसांगद्रा गुतरान कनाना शामिमुद कुरेशिया गुश्ता है कि दिहाड़िये सरकार कनों की मर्दमानी जंजालानी कम कनगे हाथरा तारीखी पैकेजे दियक बीत
इजर जुत आहादियाक बन अखदारी मर्दुमा इजर अर्चवाड़ा सर बन आई गुश्ता की मुल्ताना दनिंगतक यक लक्स यो अष्ट हजार कोहला यक करब बिस्तो अष्ट करोड़ कलदार दियाक बुताई आई गुश्ता की मुश्किल वहादा दर मुल्क जाहमनिंदी पाकिस्तानिया नि बाबुता मालूमात गिरक बुतग माँ आहांगु राबता ताही मनसूबा बंदी बुंजाई वजीर असद उमरा गुश्ता है कि सियासता गिस्ता माहलू के नपानी हाथरा फैसला कनक भी गुवत मवती शौर सलाह फैसला साजी कनक बुआ गए ए फैसला सियासत दरेचा कनक बुआ गा नहीं माहलू के सितो नपानी हाथरा कनक बुआ गए टी वी ए सरा सियासत बुआ गए बाय दे कनक मबीत रसांगद्रा गुथरान कना न असद उमरा गुश्ता है कि मैं गुरा लक्कानी साप टेस्ट किट्स मौजूदा और मैन पावरम गेश कनक बुआ गए जान सलामती हादरा और वेंटिलेटर कच गेश कनक बुआ गया महलुक पारीजी गाम गेश बुजूरी रोजगार हम सरकार आहा दंत आई गुश्ता है कि सरजुमा लॉकडाउन मुमकिन नहीं जहत कन गई अंची निजाम आरक बिबीत शिताह जंजाल कम बेबंद लॉकडाउन सबबा बेरोजगारी गेश बुतक कोरोना वायरस रख गया अमरा या महलू के रोजगार हम रखी नहीं गया निजगार और दिहाड़ी सर कार कनू की मरदमानी हयालदार गए महलू के रोजगार जेड़ा अंचो हल बुतकन शीतः क्रोना हम गिरोदार भी मजन वजीर कौमी सलामती हासी कुमकार डॉक्टर मुहीद यूसुफ अगुश्ता है कि ईरान अफगानिस्तान और हिंदुस्तान आओ के मर्दों दो रोचा करंतीना कनक बन गस्त के हफ्तगा 2000 मुसाफिर पाकिस्तान वातर बुतय आनी तहा योका चिल्ले रिजल्ट मस्बत अतकय देमे अफ्तगा प्राइवेट बालीगुराब हम पाकिस्तान वातर कायंत रसांग दरागुत्रान कनाना मुहीद यूसुफ अगुश्ता है कि टेस्टिंग और करंतीना कच गेश कनक बीत चर्चिया पर दुअर्सीस पाकिस्तानी वातर अतकना देमे अफ्तगा ऑस्ट्रेलिया इदगे मुल्क जाहमनी दे पाकिस्तानी वातर आरक बंद बुंजई वजीर अम्मा दसरा गुश्ता है कि रमजान उल मुबारक माह यूटिलिटी स्टोर आनी सरा दह गुना गेश सामान दियक बुतें अस्ति जावरानी तहा बेरोजगार बुतगे मर्दमानी कुमक कनक बेत मजन वजीर इमरान खान अमराया रसंग दुरा गुथरान कनाना अम्मा दसरा गुश्ता है क्या कि दो हफ्तगा कसानी कारोबार कनुकानी बाबता प्रोग्राम में आ रही इधरगता लैन बिल्लानी कुमक के बाबता स्कीमें आ रख बेत मजन वजीर इमरान खान शिंकारी हासी सलाहकार डॉक्टर फिरदोस आशिकावान गुश्ता है कि नकदो इराद गिरोक पेसरा रास्तिया बिजानो पदा गप पिछना इमरान खान कोरोना वायरस गुजने लाफा जंग कन गए बायदी जंग दुरुस्त इमरान खान अमरादारी बिकना आई गुश्ता है कि मजन वजीर हकदार मर्दों पूरिया गिरो मेहनत का शानी वास्ता मुल्क राज दफ्तर दुरुस्ता च मजनी पैकेज दातक ट्विटर पैगाम मावन खसूसी फिरदोस आशिकावानवती बयान गुश्ता है कि अमा मर्दम बेजवाज तनकीद कनूक लाहल में मर्दमानी सरा अफसोस है आई गुश्ता है कि सूबे पंजाब का कोरोना वायरस इलाफा जंग कन गए नर्स तिब्बी अमला या कोरोना इलाफ लाइन ड्यूटी सरा दाश्तगे सरकारी मुलाजिम आगा बीरान बीत गुड़ा पंजाब सरकार आहा शोहदा पैकेज दिया गया जार चतय सोशल मीडिया फिरदोस आशिकावान गुश्ता है कि अक्का बिगेर शांसद ग्रेडे मुलाजमानी कहले चे लक अब्दा ग्रेडा च बुरजे मुलाजमानी कहला अश्ताद लक इमदाद अवारी मजन वजीर इमरान खान शिंकारी आसी सलाहकार डॉक्टर फिरदोस आशिकावान गुश्ता है मजन वजीर इमरान खान यक करोड़ बीस लख गरीब महलू का द्वाजदा हजार फीकस मदद कमुक दा तक और दनिंगा यकसत चिलो चार अरब गरीब महलू का बाहरबांग कनेक बुआ गए